Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our eighth chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Hack Driver, written by Harry Sinclair Lewis. The chapter Hack Driver is the story about a young lawyer and a man, Oliver Lutkins. Yeah, hack driver ek yuva ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति के बारे में है लेट स्टार्ट द चैप्टर द हैक ड्राइवर है वहीकल ड्रॉन बाय अ हॉर्स घोड़ा गाड़ी अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व ऑन समर लुटकिंस एक युवा वकील एक गांव में आता है टू सर्व टू सर्व सर्व मीन टू इश्यू तामील करवाना कोर्ट ऑर्डर्स यानी अदालत के आदेश अदालत के आदेश को तामील कराने के लिए एक युवा वकील एक गांव में आता है जो संबंध हैं वो ओलिवर लुटकिंस के लिए हैं अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स इन राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस एक मैत्रीपूर्ण हैक ड्राइवर लुटकिंस के खोज में उसे गांव में घुमाता है डज ही फाइंड हिम क्या उसे लुटकिंस मिलता है हु इज लुटकिंस लुटकिंस कौन है आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन magnificent लॉ firm. अब जो वकील है यंग जो लॉयर है वो अपनी बात बताता है कि ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद मैं एक अच्छी कानूनी फर्म में मैग्निफिशेंट शानदार अच्छी कानूनी फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I was sent मुझे भेजा गया not to prepare legal briefs कानूनी मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं legal briefs कानूनी मुकदमे but to serve summons summons को तामील कराने के लिए एक सस्ते निजी जासूस की तरह है. like a cheap private detective I had to go to dirty and shadowy corner of the city to seek out my victims. मुझे अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए मीन्स विक्टिम का मतलब तो शिकार है लेकिन विक्टिम का मतलब तो जो जिसे उसे संबंध सर्व कराने थे उन्हें ढूंढने के लिए शहर के गंदे और अंधेरे वाले क्षेत्रों में जाना पड़ता था सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी मिया कुछ अधिक बड़े और विश्वस्त व्यक्ति कॉन्फिडेंट विश्वस्त व्यक्ति मुझे मात दे देते थे मीन्स चीट कर देते थे आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी रिवील्ड टू डिस्कलोज आई हेटेड मैं नफरत करता था इस असुखद कार्य से अनप्लेजेंट वर्क असुखद कार्य और शहरी जीवन का जो पक्ष द साइड जो मुझे मेरे सामने प्रकट हुई उससे मैं घृणा करता था आई इवन कंसिडर्ड फ्लिइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्रेजेंट ट्रेनिंग पीरियड आई इवन कंसिडर्ड मैंने ये भी माना फ्लिइंग टू माई होम टाउन कि मैं अपने गृहनगर भाग जाऊँ Fling, running रनिंग अवे फ्लिंग रनिंग अवे मैं अपने ग्रहनगर भाग जाऊं right away कुड मैं एकदम राइट अवे एकदम एक, right एक, एक वास्तविक लॉयर वकील बन सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड इस असुखद ट्रेनिंग पीरियड के बिना भी मैं वहां एक वास्तविक वकील बन सकता था सो आई रिज्स वन डे वेन दे सेंट मी आउट फोर्टी माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन न्यू मिलियन टू साओ सम मैन कोल्ड ऑल ओवर लुटकेंस इसलिए मैं काफ़ी खुश हुआ एक दिन जब उन्होंने मुझे भेजा चालीस किलोमीटर चालीस माइल्स दूर एक कंट्री एक गाँव में टू अ टाउन एक कस्बे में इन दंट्री कंट्री मीन्स यहाँ गाँव टू अ टाउन एक कस्बे में जिसका नाम न्यू मूलियन था टू सर्व सम्बन्स एक व्यक्ति जिसका नाम ओलिवर लुटकिन था उसे सर्व सम्बन्ध सर्व कराने के लिए वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर ऑल आर लेटर्स वी हमें इस व्यक्ति की एक गवाह के रूप में एक कानूनी मुकदमे में एक गवाह के रूप में आवश्यकता थी एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स और उसने हमारे सभी लेटर्स सभी पत्रों को इग्नोर किया था उस पर ध्यान नहीं दिया था अवहेलना करना इग्नोर अवहेलना करना वन आई गॉट टू न्यू मिलियन जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सुअरली डिसअपॉइंटेड माई ईगर मेरी उत्सुक दो उत्सुक आशाएँ एक्सपेक्टेशंस जो उत्सुकतापूर्ण आशाएँ थी एंड सिंपल कंट्री विलेज और जो सादे ग्रामीण जीवन के बारे में यानी सादे ग्रामीण जीवन के बारे में मेरी जो उत्सुक आशाएं थी वो निराशाओं में कठोर निराशाओं में बदल गई व्ययरली disappointed its streets were rivers of mud with rows of wooden shops either painted a sort brown or bare of any paint at all इसकी जो गलियां थी were rivers of mud वो कीचड़ की नदियों के समान थी with rows of wooden shops जिनके दोनों ओर लकड़ी से बनी दुकानें थी जिन पर या तो गहरे भूरे रंग का paint किया गया था या वो बिना रंग बिना रंग की थी bare of any paint, paint at all the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station उस स्थान पर केवल एक ही सुखद बात थी और वह था स्टेशन का डिलीवरी मैन ही वॉज अबाउट फोर्टी रेड फेस्ड चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल वह आयु में लगभग चालीस वर्ष का था चेहरा उसका लाल था प्रसन्नचित और थिक अबाउट द मिडल और मिडल से यानी कमर से वो थोड़ा मोटा था हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वार्न उसके जो काम करने के कपड़े थे वो गंदे थे एंड वेल वार्न वेल वार्न का मतलब पुराने थे काफ़ी पुराने थे बट एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर लेकिन उसका जो तरीका था वो मैत्रीपूर्ण था यू फेल्ट एट वंस डेट ही लाइक पीपल आप एकदम उसे देखकर आपको महसूस होगा दैट की वह मनुष्यों को लोगों को पसंद करता था आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलि लुटकिन आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन के मैं एक ऑलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ लुटकिनियर अबाउट एंड आर ए उसने कहा कि लुटकिंस मैंने उसे अभी एक घंटा पहले यही देखा था हार्ड फेलो टू कैच दो ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर कि उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है हार्ड फेलो टू कैच और हमेशा वह कुछ ना कुछ करता रहता है शायद कहीं एक कार्य है कोई दूसरा कार्य है ये कहना चाहता है वो ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप पॉकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिड्स शॉप ये शायद वो वह फ्रिज की दुकान के पीछे पोकर का खेल शुरू करने वाला होगा आई टेल यू बॉय लड़के मैं आपको बताऊंगा इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस क्या आपको लुटकिंस को ढूंढने की कोई जल्दी है यस आई वॉन्ट टू कैच आफ्टरनून ट्रेन बैक टू दिटी अब उसने कहा हाँ आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन कि मैं जो दोपहर बाद की जो ट्रेन है जो वापस शहर को जाती है उसे पकड़ना चाहता हूँ आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट मैं इसके बारे में ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मैं इसके बारे में काफ़ी इसे बात को गुप्त रखना चाहता था सीक्रेट अबाउट इट आई विल टेल यू वॉट मैं आपको बताता हूँ जो आई हैव गॉट अ हाइक कि मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है आई विल गेट इट आउट मैं इसे बाहर निकालूंगा एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर और हम बाहर इकट्ठे जाएंगे एंड फाइंड लुटकिन्स और लुटकिन्स को ढूंढेंगे आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट मैं बहुत से स्थान को स्थानों को जानता हूँ जहाँ वह

उसकी जो अफेक्शन प्रेम की जो गर्माहट थी उससे ग्लोड का मतलब चमक उठना लेकिन यहाँ खुश होना आई न्यू कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस मुझे पता था कि वह अपना व्यापार करना चाहता था बट हिज काइंडनेस वॉज रियल लेकिन उसकी जो दैरोता थी वो वास्तविक थी आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो मैं खुश था कि जो किराए का पैसा है वुड गो वो जाएगा टू दिस गुड फेलो इस अच्छे व्यक्ति के पास आई मैनेज टू बारगेनिंग डाउन टू टू डॉलर एंड आर एंड देन ही ब्रॉट हिम फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स आई मैनेज टू बारगेन मैं खुश था कि जो पैसे हैं उसके पास जाएंगे मैंने उसके साथ सौदेबाजी करके मींस बारगेनिंग का मतलब है सौदेबाजी करना बारगेनिंग करके दो डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से तय कर लिया एंड देन ही ब्रॉड फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय जो नजदीक उसका घर था वहां से वह पहियों के ऊपर एक काला संदूक ले आया काला संदूक कहा गया है उस है, हैक को जो गाड़ी थी उसके पास लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स ही रिमार्क्ड उसने कहा वेल यंग मैन अच्छा युवा व्यक्ति हेर इज दैरेज यहां गाड़ी है मीनस यह है, गाड़ी है एंड इज वाइड स्माइल्ड एंड इज वाइड स्माइल्ड मेक मी इन टू एन ओल्ड फ्रेंड और उसकी जो विशाल मुस्कान थी उसने मुझे उसका एक अच्छा मित्र बना दिया दि वज आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर कि ये जो ग्रामीण होते हैं एक अजनबी की सहायता करने के लिए किस तरह से तैयार रहते हैं दिस विलेज आर सो रेडी काफी तैयार रहते हैं टू हेल्प अलेजर टू हेल्प अ स्ट्रेंजर दिजर ये काफी तैयार रहते हैं टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, he had already made it his own task to find oliver lutkins for me. उसने मेरे लिए lutkins को ढूंढ निकालना अपना काम मान लिया था। he said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from lutkins. उसने कहा, I don't want to interfere. मैं अस्तक्षेप नहीं करना चाहता, young fellow, but my guess is लेकिन मेरा अनुमान है कि that you want to collect some money from lutkins. कि आप lutkins से कुछ धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं। नेवर पेज एनी बडी अ सेंट वो कभी भी किसी किसी को एक सेंट भी नहीं देता सेंट यहां करंसी है दिस इज द करेंसी हि स्टिल ऑजमी फिफ्टी सेंट ऑन ए पॉकर गेम आई वॉज फूल ही स्टिल ऑजमी फिफ्टी के उसने मैं, उसने, उसने पॉकर के खेल में हारे हुए मेरे पचास सेंट भी अभी देने हैं स्टिल ऑजमी फिफ्टी सेंट ऑन पॉकर गेम आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विद हिम मैं मूर्ख था कि मैं उसके साथ खेला ही इज नॉट रियली बैड वो वास्तव में बुरा नहीं है बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी लेकिन यह काफी मुश्किल है टू मेक हिम पार्ट उसे अलग करना विद हिज मनी उसकी मनी से इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम अगर आप उससे वो पैसे लेना चाहेंगे लेने की कोशिश करेंगे इन दोज़ फैंसी क्लॉथ्स इन अच्छे कपड़ों में ही विल बी सस्पिशियस उसे शक हो जाएगा एंड गेट अवे फ्रॉम यू और वो आपसे दूर चला जाएगा इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिड्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहड मी इफ यू वॉन्ट अगर आप चाहते हैं आई विल गो इन टू फ्रिड्स के मैं फ्रिज्स की दुकान के अंदर जाऊँगा एंड आस्क फॉर हिम और उसके लिए पूछूंगा एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी और आप आप मेरे पीछे छिपे रहेंगे यानी मेरे पीछे रहेंगे आप आई लव हिम फॉर दिस मैंने उसके लिए उसे पसंद किया आई यर रेफर्स टू द यंग लॉयर बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस ये मानता है कि अपने आप शायद मैं कभी लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाता विद द हैक ड्राइवर्स हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन लेकिन उस ड्राइवर की जो ड्राइवर जो था उसकी जो नोइंग हेल्प थी जो वो जानता था वहाँ के बारे में आई वॉज श्योर मैं सुनिश्चित था ऑफ गेटिंग माई मैन कि मुझे मेरा व्यक्ति मिल जाएगा आई टू किम इंटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिन दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस वैन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस आई टू किम इंटू माई कॉन्फिडेंस मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में अपने विश्वास में लिया और उसे बताया दैट की आई वॉन्टू टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिनस के मैं लुटकिनस को सम्मन सर्व करना चाहता हूं यानी वह उसे आदेश तामिल कराना चाहता हूं क्योंकि द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस क्योंकि उस व्यक्ति ने एक गवाह बनने के लिए मना कर दिया है गवाह यानी गवाही देने से मना कर दिया था जबकि हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस जबकि उसकी सूचना से हमारा जो मुकदमा है वो जल्दी सुलझ जाता द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली बड़ी ईमानदारी से उस ड्राइवर ने सुना अर्नेस्टली ऑनेस्टली अर्नेस्टली मीन्स ऑनेस्टली एट द एंड ही ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ट और अंत में उसने मेरे कंधे पर मुझे मारा थपकी देना और हंसा वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिन से लिटिल सरप्राइज के हम लुटकिंस को हैरानी में डाल देंगे लेट स्टार्ट ड्राइवर चालक चलो चले मोस्ट फॉक्स अराउंड कॉल मी बिल और मैगनुसन ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ बिल और मैगनसन कहते हैं यानी इसके नाम से मुझे पुकारते हैं माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैगन्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग और मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैगनुसन फैंसी कार्टिंग हैकिंग स्टूडेंट्स वी हैव Studied some part of this chapter today. In the next video, we will continue this chapter further. Till then, thank you. Have a nice time.